गोपियों ने एक मीटिंग की है और उस मीटिंग में इस बात पर विचार हुआ है गोपियों का कि भाई ये कन्हैया बहुत माखन चुरावे है, तो कछु ऐसो करो कि ये पकड़ में आ जाए। और पकड़ में भी कैसे आ जाए, बोले चोरी करता हुआ पकड़ में आ जाए कृष्ण। क्योंकि वैसे तो हम यशोदा से शिकायत करती हैं, यशोदा हमारी बात नहीं मानती, हमने कितनी बार कह दिया वत्सान मुंचन क्वचद समय क्रोश संजात हास, पर हमारी बात नहीं सुनी जाती। तो कुछ ऐसा करो जो ये कृष्ण ये कन्हैया चोरी करतो भयो हाथ आ जाए। तो अब गोपियां मीटिंग करें, बड़ा प्यारा भाव है, आप बैठे बैठे गाना झूमना और सुनना, अभी खड़ा ना हो कोई। एक दिन ग्वालिन सब जोरनिया पकड़ो शाम को, एक दिन ग्वालिन सब जोरनिया पकड़ो शाम को, एक दिन ग्वालिन सब जोरनिया ओ पकड़ो शाम को सखी पकड़ो री शाम को, पकड़ो शाम को सखी पकड़ो री शाम को, पकड़ो शाम को सखी पकड़ो री शाम को, गाइए पकड़ो शाम को सखी पकड़ो री शाम को। एक दिन पालन सब ओ एक दिन ग्वालिन सब जोरनिया पकड़ो शाम को, सब सखियन मिल मतो उपायो शाम हाथ नहीं आवे, सब सखियन मिल मतो उपायो। ब्रजभाषा का पद है, आपको समझने में कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही? सब सखियन मिल मतो उपायो, गोपी कह रही है सब मिलके सोचो, कोई आइडिया बताओ, कोई उपाय बताओ, ये कन्हैया हाथ नहीं आता है हमारे। हाँ सब सखियन मिल मतो उपायो शाम हाथ नहीं आवे, सब सखियन मिल मतो। तो ऐसो करो उपाय सखी ये चोरी कर तो पावे, ऐसो करो उपाय सखी चोरी कर तो पावे, ओ ऐसो करो उपाय सखी ये चोरी कर तो पावे, ऐसो करो उपाय सखी। और फिर चोरी कर क्या करेंगी पावे, फिर यशोदा के घर, फिर यशोदा के घर ले जनिया पकड़ो शाम को, फिर यशोदा के घर ले जनिया पकड़ो। ओ एक दिन ग्वालिन सब जुरनिया पकड़ो शाम को, गोपी बोली कि यशोदा के घर ले जाकर करोगी क्या, वहां ले जाने से क्या होगा? तो कह रही हैं सखियां कि यशोदा घर ले जाए के बा में लगवावेंगी संती, यशोदा घर ले जाए के बा में लगवावेंगी। गोपी बोली कि यशोदा के घर ले जाकर बताएंगी तेरे लाला ने माखन चुरायो और संटी लगवावेंगी। संटी मालूम है ना, जो मास्टर जी के हाथ में होती थी, छड़ी से मार पड़वाएंगी। तो तभी ये गोपी बोली कि आइडिया मिल गया कैसे कृष्ण को पकड़ना है। बोले बताओ क्या उपाय सूझा। यशोदा घर ले जाए के बा में लगवावेंगी संटी, यशोदा घर ले जाए के बा में लगवावेंगी संटी। तो एक सखी यो उठ बोली छीके ते बांधो घंटी, एक सखी यो उठ बोली छीके ते बांधो घंटी,
सखियों जो बोली सिकेते बांधो घंटी सखियों उठ बोली सिकेते घंटी से क्या होगा चोरी परवे में हाँ चोरी परवे में बदनिया पकड़ो शाम को वो चोरी परवे में बदनिया पकड़ो शाम को हाँ एक दिन वालिन सब जुरनिया पकड़ो शाम को एक दिन वालिन थोड़ा तालियों की सेवा करते हुए पकड़ो सब जुरनिया पकड़ो शाम को एक दिन वाले न सब पकड़ो शाम को। जब गोपियों ने इस प्रकार से उपाय खोज लिया, ध्यान देकर सुनिएगा, बड़ा आनंद आएगा आपको। फैसला हो गया कि भाई आज से सब अपने अपने घर में जहां मटकी टांगी जाती है ऊपर छीके पर घंटी बांध लो। कृष्ण आएंगे, मटकी जैसे ही उतारेंगे घंटी बजेगी और हम गोपियां पकड़ लेंगी कृष्ण को। तो उस दिन सारे ब्रज में गोपियों ने अपने अपने घरों में मटकी के ऊपर घंटी टांग ली और आज इंतजार करने लगी गोपियां। और मालूम है आज तो दरवाजे और खिड़की भी खोल दिए गोपियों ने कि आ जा तू, आज देखेंगे। अब भक्त बुलाएं भगवान न आए ये कैसे हो सकता है। श्याम सुंदर पहुंच गए अपने सखाओं के साथ, श्रीदामा को कहा कि श्रीदामा भैया तू आगे जाके देख रास्ता साफ है या नहीं। तो सब सखा इधर उधर से एक गोपी के घर की दीवार झांक कर अंदर देखने लगे तो कहा कि कन्हैया आज तो कमाल हो गया। कैसे? बोले आज तो खिड़की भी खुली है और दरवाजा भी खुला है। तो मनसुखा ने कही कि लाला मोए तो कोई गड़बड़ लग रही है, आज से पहले तो कभी खिड़की और दरवाजे खोले ना ही मिले। तो भगवान बोले तो ये तो हर बात में गड़बड़ी दिखे। अरे मैं हूं ना संग में, क्यों घबरावे, चलो मेरे साथ। कूद कर दीवार फांद कर अंदर गोपी के घर पहुंचे और मारे जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया जहां मटकी टंगी हुई है, तुरंत मनसुखा जी बोले देख कन्हैया मैंने तो कही ना कि गड़बड़ है, देख ऊपर इन गोपियों ने मटकी के साथ घंटी भी टांग ली है। लाला हम जैसे ही ऊपर चढ़ेंगे मटकी उतारेंगे या मटकी छुएंगे भी तो घंटी बज जाएगी और गोपी आ जाएगी हमें पकड़ लेगी। तो भगवान बोले कि अरे बाबरे अभी तुम वो जाने ना है। तो को मालूम है मेरी इच्छा के बिना दुनिया में पत्ता भी ना हिल सके। भगवान की बात सुनकर सब ग्वाल वाल बड़ी जोर से हंसने लगे, बोले महाराज और फेंकते रहो, क्योंकि वो कोई कृष्ण को भगवान थोड़ी मांगते। ग्वाल वालों को तो लगता ही हमारे सखा हैं। भगवान बोले तुमको मालूम नहीं मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, इस घंटी की क्या मजाल जो ये बज जाए, अभी इसकी खबर लेता हूं। तो भगवान घंटी से बात करने लगे, क्या कह रहे हैं, सुनरी घंटी मैं समझाऊं मेरी कहन मत डरियो, सुनरी घंटी मैं समझाऊं मेरी कहन मत डरियो, सुनरी घंटी मैं समझाऊं मेरी कहन मत डरियो, सुनरी घंटी क्या समझाया, जब तक मैं माखन नाए फैलाऊं तू हल्ला मत करियो, जब तक मैं माखन नाए फैलाऊं तू हल्ला मत करियो, जब तक मैं माखन नाए फैलाऊं तू हल्ला मत करियो,
क्योंकि तेरी मेरी प्रीत, तेरी मेरी प्रीत पुरनिया पकड़ो शाम को, पकड़ो शाम को, एक दिन वाले सब जुड़निया पकड़ो शाम को, भगवान ग्वाल बालों को बोले कि देखो अब मैंने इस घंटी को अच्छी तरह समझा दिया है, अब इसकी मजाल नहीं जो ये आज बोल जाए, कोई चिंता नहीं करना, आराम से चढ़ो ऊपर, घंटी की हिम्मत नहीं जो आज ये बजे। ग्वाल बालों ने महाराज घेरा बना लिया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ते चले गए और सबसे ऊपर उछल कर श्याम सुंदर मनसुखा जी की कंधे पर ऊपर चढ़कर बैठ गए। जब मनसुखा के कंधे पर भगवान बैठे तो बड़े आराम से ठाकुर जी बोले कि देखो आज मटकी लेकर भागेंगे नहीं, क्योंकि चाहते तो मटकी ले जाते, बाहर जाके माखन खा लेते, पर भगवान बोले आज थोड़ा दूसरी तरह से चोरी करेंगे। बोले मटकी यहीं की यहीं रहेगी और माखन साफ करेंगे, क्योंकि असली चोर तो वही है कि वारदात भी हो जाए, चोरी भी हो जाए और मालूम भी ना चले। बोले मटकी यहीं रहेगी, माखन साफ होगा। नीचे से ग्वाल बाल बोले जी हजूर, जैसी आपकी इच्छा है। ऊपर बैठे, मटकी में हाथ डाला और माखन निकाल निकाल कर ठाकुर जी ऊपर से नीचे सप्लाई करते जा रहे हैं, स्वयं नहीं खा रहे पहले, क्योंकि हम लोगों को खाने में आनंद आता है, पर भैया मेरे बांके बिहारी को तो खिलाने में आनंद आता है। परमात्मा तभी तो दिन रात सबको खिला रहा है, देखो उसी की कृपा से हम खा रहे हैं। तो ऊपर से माखन लेकर नीचे देते जा रहे हैं, ग्वाल बाल हाथ में ले लेकर माखन खाते जा रहे हैं, सबने अच्छी तरह खा लिया। ठाकुर जी ने ऊपर से पूछा चौबई कोई रह तो ना गए हो, सबने खा लियो? बोले हां लाला हम सबने खा लियो। भगवान बोले मैं भी खाऊं? बोले हां तू भी खा। जब सबने खा लिया अंत में कृष्ण माखन खाने लगे। माखन लेके हाथ धर लियो मन में है गहरा जी, माखन लेके हाथ धर लियो मन में है गहरा जी, माखन लेके हाथ धर लियो मन में है गहरा जी, माखन लेके हाथ धर लियो मन में है। और फिर क्या हुआ? जैसे ही माखन मुख में डालो वैसे ही घंटी बाजी, जैसे ही माखन मुख में डालो वैसे घंटी बाजी। जो महाराज माखन मुख में रखा है वैसे ही जोर से घंटी बजी है। जरा सुनिए कैसे घंटी बजी है। ये घंटी थोड़ा ढीली बज रही है। हाँ ऐसे घंटी बजी। जैसे ही माखन मुख में डालो वैसे ही घंटी बाजी, जैसे माखन मुख में डालो वैसे। और फिर क्या हुआ? पकड़े गोपिन ने वो, पकड़े गोपिन ने सांवरिया पकड़ो शाम को, पकड़े गोपिन ने सांवरिया पकड़ो शाम को, वो एक दिन बालन सब जोड़निया पकड़ो शाम को, एक दिन बालन सब जोड़निया पकड़ो शाम को। अब महाराज थोड़ा सा इस दृश्य को आप देखो, आपको आनंद आएगा। जो तो घंटी बजी तो जितने नीचे ग्वाल बाल थे वो तो माखन खा ही चुके थे पहले, सब नीचे से खिसक गए। अब जब नीचे वाले खिसके तो सोचो ऊपर वाले का क्या हुआ होगा, और सबसे ऊपर वाले का क्या हुआ होगा। जब नीचे वाले भागे ग्वाल बाल सब ऊपर से नीचे गिरे, बांके बिहारी मटकी रहे थे, हाथ से पकड़ भी रखी थी,
तो नीचे वाले जब निकल गए तो ठाकुर जी का ये हाल हुआ कि मेरे बांके बिहारी मटकी पकड़ के ऊपर ही लटके रह गए। आ रहे थे, हाथ से पकड़ भी रखी थी, तो नीचे वाले जब निकल गए तो ठाकुर जी का ये हाल हुआ कि मेरे बांके बिहारी मटकी पकड़ के ऊपर ही लटके रह गए। नीचे वाले सब भाग गए। गोपी आई और नीचे आके आराम से खड़ी हो गई और ऊपर ठाकुर जी लटके हुए। गोपी बोली, चौरे आज भी कहेगो कि माखन नहीं खायो, आज तो मटकी ते ही लटको पड़ो है। और उधर दूर से ग्वाल बाल भी ठाकुर जी को अंगूठा दिखाने लगे कि ले तू बड़ो कहतो कि मेरी इच्छा के बिना पत्ता भी ना हिले, आज बज गई ना घंटी। अब महाराज भगवान तो बड़े घबरा गए। गोपी ने पकड़ के ठाकुर जी को नीचे उतारा, आइए लाट साहब नीचे आ जाइए, अब कहिए क्या करना है, लेके चलूं यशोदा के पास? तो भगवान बोले, गोपी तू जहां चाहे वहां ले जा, बस इतनी कृपा कर कि मुझे 2 मिनट को टाइम दे। तो गोपी बोली, 2 मिनट किस लिए? भगवान कहते हैं 2 मिनट जरा इस घंटी से फिर बात कर लूं एक बार, जरा पूछूं तो इसकी हिम्मत कैसे हुई बजने की, अरे मेरी नजर टेढ़ी हो जाए तो दुनिया इधर से उधर हो जाती है और इसने मेरी बात नहीं मानी। क्यों री घंटी बात न माने तू तो नेक सुने ना, क्यों री घंटी बात न माने तू तो नेक सुने। घंटी को भगवान बोले, तू कैसे बजी? तो घंटी कहती है कि प्यारे पहले तुम बताओ, जब ग्वाल बालों ने माखन खाया क्या मैं बजी? भगवान बोले, नहीं बजी। तो आप बताओ कब बजी? ठाकुर जी बोले, जब मैंने खाया। तो घंटी से भगवान कहते हैं, यही तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या तेरी मेरे से ही दुश्मनी है? सबने खाया तो नहीं बजी, मैंने खाया तो बजी। क्यों री घंटी बात न माने तू तो नेक सुने ना, क्यों री घंटी बात न माने तू तो नेक। तो घंटी क्या कहती है? तो बोली घंटी, सुनो शाम बिन घंटी भोग लगे ना, बोली घंटी सुनो शाम बिन घंटी भोग लगे ना। घंटी कहती है, महाराज अब तुम्हारा भोग लग रहा हो, तुम माखन खा रहे हो और मैं ना बजू, कैसे हो सकता है? क्योंकि भक्त जब तुमको भोग लगाते हैं तो घंटी जरूर बजाई जाती है, मैं तो आपके लिए बजी। बोलो माखन चोर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम।